असल वेलकम बैक टू माई चैनल तो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की डिटेल्स की जब आपको इंटरव्यू लेटर रिसीव हो जाता है Uh, किसी भी कैटेगरी के अंदर आपका फाइनली इंटरव्यू होता है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं आज की वीडियो में हम इंटरव्यू डे के बारे में बात करेंगे कि कौन से जो है वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो स्पेशली सी आर वन आई आर वन वीजा कैटेगरी के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं अगेन इस चीज़ को हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि आपके केस स्पेसिफिक भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम हम उस वक्त ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो फॉलोअप क्वेश्चन के ज़मरे में आते हैं लेकिन इन जनरल मेरे पास एक प्रिसाइसी लिस्ट है उसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेट स्टार्ट विद दैट अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले है और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं आपको फ़िक्र हो रही है उन सवाल की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं वन ऑन वन कोचिंग कर सकती हूँ सी आर वन आई आर वन वीज़ा को लेकर उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं जिसमें मैं आपके साथ साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी पीडीएफ के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवाल या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज गूगल फॉर्म को जरूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इन जनरल सब लोगों से पूछा जाता है वो ये होता है कि हु इज कॉलिंग यू और वट्स योर स्पाउस नेम उनकी अक्सर आपसे स्पेलिंग भी पूछी जाती है कि आपको स्पेल करना होता है अपने स्पाउस के नेम को करेक्टली और मज़ीद जो सवालत पूछे जा सकते हैं उनमें कुछ सवाल जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ लास्ट टाइम यू सॉ योर हस्बैंड तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि आखिरी दफ़ा आपने अपने हस्बैंड को कब देखा था आपको एक्जैक्टली exactly उस चीज़ की डिटेल्स मालूम होनी चाहिए आप कहाँ मिले थे कब मिले थे कितने दिन के लिए मिले थे तो ये चीज़ें जितनी अच्छी तरीके से आपको याद होंगी उतना ज़्यादा आपकी केस को बेनिफिट करेंगी उसके साथ साथ पूछा जाता है कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी इसका एक और सवाल इस तरह के भी बनता है कि आपकी मैरिज जो है वो किस तरह से फ़िक्स हुई आपने किस तरह से आपकी शादी हुई उसकी डिटेल्स शेयर करें तो आपको बताना होता है कि हम इस तरह मिले थे पहली बार कहाँ मिले थे फैमिलीज़ के थ्रू मिले थे इंडिपेंडेंटली कहीं मिले थे वो सारी डिटेल्स आपको करेक्टली पता होनी चाहिए उसके बाद एक सवाल होता है कि वेन डिड यू मीट तो आप इसको भी बता सकते हैं कि आप पहली दफ़ा कब मिले थे कहाँ पर मिले थे ये भी आपको करेक्टली डिटेल्स पता होनी चाहिए और सवाल पूछा जा सकता है कि आपके स्पाउस की लाइफ के बारे में बताइए कि वाट्स इज लाइफ इन यू उसके बारे में बताइए उनकी हॉबीज क्या है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक एक डिटेल आपसे नहीं जानना चाह रहे लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज अ स्पाउस आपको अपने हस्बैंड की पसंद ना या वाइफ की पसंद नापसंद मालूम होगी आपको पता होगा कि उनका एक नॉर्मल डे यू के अंदर कैसा होता है एक दिन में उनकी शुरुआत कैसे होती है एंड कैसे होता है बीच में वो इन जनरल कहाँ कहाँ जाते हैं तो आपको एक रूटीन का अंदाज़ा होना चाहिए एक और सवाल है कि वट डज़ यू डू फॉर लिविंग तो उनके काम के बारे में आपको तफसील से पता होना चाहिए वो ख़ातून है या वो मर्द है उनकी काम वो क्या जॉब करते हैं इसकी आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए जॉब की आपको डेजिग्नेशन पता होनी चाहिए एम्प्लॉयर का नाम पता होना चाहिए कहाँ पर काम करते हैं हर चीज़ इसकी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए इसके साथ साथ एक सवाल होता है कि डू यू हैव एनी किड्स कुछ शादी के केसेस में ऐसा होता है कि आपके बच्चे भी होते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है कि आप लोगों के कितने बच्चे हैं उनकी डिटेल्स पूछी जाती हैं उनके नाम क्या हैं उस सिलसिले में आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी लाजमी आपके साथ डॉक्यूमेंट्स में लेके जाने होते हैं एक और सवाल जी बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि इज दिस योर फर्स्ट मैरिज और ये भी पूछा जाता है कि क्या ये आपके स्पाउस की फ़र्स्ट मैरिज है तो आप दो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी फ़र्स्ट मैरिज है और आपके स्पाउस उसकी भी फर्स्ट मैरिज है अच्छा अगर नहीं है तो जो पिछली मैरिज होती है उसके टर्मिनेशन के डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए कि वो मैरिज कैसे एंड हुई थी आपकी भी और आपके स्पाउस की भी इसके साथ साथ एक सवाल होता है वो जो मैंने पहले कवर किया कि डू यू हैव एनी किड्स टुगेदर तो अगर आप में से किसी के बच्चे हैं पहली मैरिज से भी बच्चे हैं तो वो भी डिटेल्स आपको उनको देनी होती है उसके बाद एक सवाल होता है कि हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज इन द पास्ट सिक्स मंथ ज़रूरी नहीं है पास सिक्स मंथ वापस ज़्यादा का भी पूछ सकते हैं तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में क्लियर रहना स्पेसिफ़िक रहना बहुत ज़रूरी होता है कब गए थे कहाँ गए थे कितने दिन के लिए गए थे ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बस पाउस के साथ ट्रैवल किया वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने इंडिपेंडेंटली इतने अरसे में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया इसके साथ सवाल होता है कि हैव यू लिव्ड एनी वे फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स किसी भी और कंट्री में जो है वो आप कहीं रहे हैं छे महीने से ज्यादा अच्छा एक चीज और बता दूं अगर आप पाकिस्तान के केस में किसी भी और कंट्री में रहे हैं छे महीने से ज्यादा तो फिर आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है उसके साथ साथ एक और सवाल होता है कि वट डू यू डू फॉर वर्क तो आपसे आपके काम की भी तफसीत पूछी जा सकती हैं कि अगर बेनिफिशरी पाकिस्तान में है और वो वहाँ पर जॉब करता है तो फिर ये भी पूछा जाता है कि आप कहाँ जॉब करते हैं क्या काम करते हैं इन जनरल वैसे लोग ये मैंशन करते हैं कि जब स्पाउस वीज़ा होता है तो बेनिफिशरी से बहुत ज़्यादा उसकी जॉब और उसकी तालीम के हवाले से नहीं पूछा जाता बहुत ज़्यादा ज़्यादातर फोकस पिटिशनर की इन तरह की डिटेल्स पर होता है इसके बाद एक और सवाल है हैव यू रेड द डोमेस्टिक वायलेंस अग्रीमेंट अच्छा आपको जो है वो एक अग्रीमेंट भी दिया जाता है शुरू में जब आप विंडो पर जाते हैं अपने इंटरव्यू के टाइम आता है जिसमें लिखा होता है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्पाउस वीज़ा कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोगों को यू एस बुलवाया जाता है और उनमें अक्स कभी कभी ऐसा भी होता है नाखुशगवार खुशगवार वाक़ होते हैं जिसमें लोग किसी अच्छे मेरिटल रिलेशनशिप में एंड अप नहीं होते और वहाँ पे उन्हें अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है या कुछ इस तरह के केसेस भी बहुत सारे सामने आते हैं इसलिए जो है वो ऑफ़िसर आपसे पूछ रहा है कि जो हमने आपको अभी एक पैम्फलेट दिया था कि आपने उसे डिटेल्स में पढ़ लिया है और आपको पता है कि अगर इस तरह का मतलब अल्लाह ना करे किसी तरह की चीज़ का आपको सामना करना पड़े तो आपको किसको रीच आउट करना है कहाँ रीच आउट करना है कौन सी जगह है जहाँ पे उस पर लिखा होता है इन पे नंबर है यहाँ पे कॉल करें अगर आप इस किस्म की किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो ये सवाल भी इंटरव्यू में वो पूछ सकते हैं इसके बाद एक चीज होती है वो जो हस्बैंड बॉर्न डेयर और डिड ही इमिग्रेट तो आपके हस्बैंड जो है वो वहाँ पर बाई बर्थ जो है उनको सिटीज़नशप मिल गई थी या वो बाद में इमिग्रेट हुए बाद में उनको सिटीजनशिप मिली इस तरह का सवाल भी किया जा सकता है आपको इहार स्पाउस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अच्छा हाउ डू यू मेनटेन दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये एक जनरल से सवाल है इसका एक और क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ ड्यू गैस कम्यूनिकेट तो आप उसमें भी बता सकते हैं कि हम जो है वो कॉल्स करते हैं हम टेक्स्ट करते हैं हम वीडियो कॉल्स करते हैं या हम वो कह रहे हैं कि अच्छा इस उन्होंने अब ये इस तरह भी पूछ सकते हैं कि आपने मेंटेन कैसे किया हुआ है अपना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो इसमें ये भी आ सकता है कि हम फिर फ्रिक्वेंटली एक दूसरे को विजिट करते हैं हम मिलते हैं जाके हम ओकेजनस पे फेस्टिवल्स पे एक दूसरे को चीज़ें भेजते हैं गिफ्ट्स बुकेज इस तरह की चीज़ें तो ये आप उनको बताएंगे बेसिकली वो ये सब सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि उन्हें इन्फॉमेशन हो कि आया आपकी ये बोनाफाइड मैरिज है एक रियल रिलेशनशिप है या नहीं और मज़ीद सवाल हो सकते हैं कि वट डज़ ही लव मोस्ट अबाउट द सिटी ही लिवज़ इन तो वो उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर है जब आप अपने स्पाउस से बात करते हैं तो आपको उससे ज़रूर जिक्र करता होगा कि वो अपने शहर के बारे में अपने इलाके के बारे में किस चीज़ में उससे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्या चीज़ से पसंद है कोई जगह है जहाँ वो बहुत जाता है कोई आइसक्रीम शॉप है कोई बेकरी है तो वो जानना चाह रहे हैं कि जब आपकी बात होती है तो आपको कितनी इन्फॉमेसन है कि उसको अपने शहर में अपने इलाके में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है हाउ लॉन्ग हैव यू बिन मेरिड तो आपकी डेट पूछेंगे कितने साल हो गए आपकी शादी को ज़ाहिर है जब हम अप्लाई करते हैं वन थर्टी और उस टाइम से लेके इंटरव्यू तक अब तो दो दो तीन तीन साल लोगों को लग रहे हैं तो आपको सिंस द डे आपकी शादी रजिस्टर हुई थी आपका निकाह का डे उससे लेके इंटरव्यू दिन तक का बता देना है कि जी इतना साल हो चुके हैं साथ ये भी पूछते हैं कि विद होम डज ही लिव तो उनके साथ साथ कौन कौन रहता है या वो किसी के साथ रहते हैं तो उनके घर में कितने लोग रहते हैं इसकी भी तफसीलात जो है वो आपको ऑफिसर को शेयर करनी होगी ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी गेस्ट वर्क योर वेडिंग आपकी शादी में कितने गेस्ट थे तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए वो उन्हें पिक्चर से देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी वेडिंग थी लेकिन आप उन्हें खुद भी बता सकते हैं ये सवाल मुझसे भी मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी शादी में एक्चुअली कितने गेस्ट थे तो ये कुछ सवाल थे जो कि स्पाउस वीज़ा इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ये मैंने वो लिस्ट तैयार की थी जो लोग जो कि इंटरव्यू दे के आते हैं और फिर वो शेयर करते हैं कि हमसे हमारे इंटरव्यू में ये ये सवाल पूछे गए तो उनकी मैंने एक लिस्ट कंपाइल की और आपके साथ शेयर की इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं मैंने पहले भी इस टॉपिक पे कई दफ़ा वीडियो बनाई है और उन्होंने डिफरेंट सवालत जो है उनको आपके साथ शेयर किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप उन सबको चेकआउट करेंगे और अपने इंटरव्यू के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़